हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने चाहे फर्स्ट डोज ली हो या सेकंड डोज ली हो, उसके बाद में आपको अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है आपके वैक्सीनेशन का, तो वो आप ऑनलाइन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाने के तुरंत बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS आता है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। आपका नाम आता है और आपने सक्सेसफुली वैक्सीनेशन करवा लिया है, उसका आपका डेट आता है, टाइम आता है, वो नीचे एक लिंक आता है जिसमें लिखा रहता है कि आप इसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो इस लिंक को मैं ओपन करता हूं अपने ब्राउजर के ऊपर, जिसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। इस लिंक को मैंने ओपन कर लिया है। यहां आपको कोई भी डायरेक्ट लिंक दिखाई नहीं देगा सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का, इसलिए आपको इस पर क्लिक करना है, रजिस्टर इन योर सेल्फ, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो, आप एक अलग टैब पर चले जाते हो। अलग टैब पे जाने के बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है। देखिए दोस्तों, दो तरीके से हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक रेफरेंस नंबर आया होगा, उस रेफरेंस नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस तरह है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी डालनी है और सर्च करना है, उसके बाद में आप यहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको रेफरेंस नंबर से ना करके आपको मोबाइल नंबर से डाउनलोड करने का तरीका बताऊँगा कि आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाता है 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो दोस्तों, जैसे आप अपना OTP वेरीफाई कराते हैं, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, जिसकी लास्ट 4 डिजिट आ जाती है, आपका नाम आ जाता है, आपका जेंडर आ जाता है, और आपने क्या वहाँ पर अपनी फ़ोटो ID दी है वो आ जाता है, ईयर ऑफ बर्थ आ जाता है। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको सर्टिफिकेट का लिंक दिया हुआ है, इस सर्टिफिकेट के लिंक पर आपको क्लिक करना है। सर्टिफिकेट के लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं, आपका सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो जाता है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। PDF में डाउनलोड होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे उसका एक QR कोड आता है आपके सर्टिफिकेट का, जो कि यूनिक होता है हर यूजर का। उसके बाद में आपका नाम आ जाता है, वैक्सीनेशन का नाम आ जाता है, आपकी एज आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, जेंडर आ जाता है, और आपकी अगली तिथि उनसे योग्य 28 दिन बाद में है तो वो यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे वैक्सीनेशन के बाद में सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।